गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम, आनंदी माँ को सत सत प्रणाम, सुरेश जी को सत सत प्रणाम और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग, आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, मैं आपको अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, समाज अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ जी बोलिए। अभी हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी बोलिए। हाँ ठीक है। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, राधा पटेल जी, आपने अनम्यूट किया है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, मैं शेयर करना चाहूँ। अभी मैं आनंदी माँ के आश्रम में हूँ। जी, अपना नाम बताइए, आप तीन कहाँ से हैं तारीख से बताइए। मैंने राधा पटेल हैदराबाद से हूँ और मैं NDS की पुरानी साधक हूँ, लेकिन बीच बीच में छूट जाता है। अभी मेरा बेटा घर पे था, एग्जाम चल रहा था 1.5 महीना उसका, तो उसको बनाने के चक्कर में पूरा हम छूट गए थे। तो इस बार मैंने बेटे को साथ में लेके आनंदी माँ के आश्रम में आई हूँ ताकि बेटा सीख पाए ये NDS है। वो बहुत क्वेश्चन पूछता है, दूध क्यों नहीं पीना, ये वो। तो मेरे बेटे के साथ में आई हूँ, उन्हें भी कर रहा अभी 3 तारीख से, सुबह मैं भी कर रही हूँ। मैंने अभी 3 दिन निर्जला रखा था, आज सुबह तोड़ा है मैंने निर्जला। और 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 तारीख तक कल आज सुबह मैंने वेट करा तो मेरा वेट पहले 80.1 था, अभी 74.9 हो गया था। तो वेट लॉस भी बहुत जल्दी हो गया इसमें। बाहर कुछ भी करो तो बहुत टाइम लगता है वेट लॉस में, इधर NDS की साधना में बहुत आराम से हो जाता है। और ये यंग लोग सीख गए तो हमको घर में टेंशन नहीं कुछ भी। बच्चे लोग NDS स्टार्ट कर दिए तो हम, मेरा हस्बैंड भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, अभी बेटा भी शुरू कर दिए है, तो हम आराम से अब घर जाके तीनों लोग कर सकेंगे। और आनंदी माँ ने बहुत सारी रेसिपी भी हमको सिखाई है जो शाम के टाइम हम बना के सीख कर दे सकते बच्चों को। इधर आके मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत सुरेश भाई का चरणों में मेरा खूब खूब प्रणाम और आनंदी माँ को भी प्रणाम। और आपका और क्या प्रॉब्लम थी? स्किन का भी आपकी फर्क पड़ा था ना, ठीक हो गई थी थोड़ा, आप बता रहे थे। अर्टिकेरिया था मुझे 5 साल पहले, तो मैंने यूट्यूब में वीडियो देख के ही NDS का करा था घर पे। सीधा पहले दिन मैं निर्जरा पे चली गई थी और वीडियो में देखा था कि पहले निर्जरा करने से ज्यादा सही होता है। तो पहले दिन मैंने निर्जला करा तो पहले ही दिन मुझे खुजली नहीं आया था, वरना डेली 365 दिन आता था और पूरा दाना दाना हो जाता था, सूज जाता था उधर खुजली आने के बाद। तो और एक छोटा सा टिकड़ी लेती थी व्हाइट कलर का, उससे बंद बैठता था, उसके अलावा किसी से नहीं बैठता था। तो मैंने स्टार्टिंग में ही सीधा 3 दिन निर्जला करके, एक दिन ग्रेप्स जूस, ग्रेप्स का सीजन चल रहा था, धूप काल था, ग्रेप्स पिया जूस, फिर 3 दिन निर्जला, फिर ग्रेप्स का जूस, फिर 3 दिन निर्जला, ऐसा 9 निर्जला करा तो जड़ मूड़ से ही चला गया मेरा। बाद में मुझे अभी वो रोग का नाम भी याद करना पड़ता था, मुझे कौन सा ये स्किन का डिसीज हुआ था।
पूरा चला गया, वरना डॉक्टर ने तो कह दिया था कि लाइफ टाइम तक मरे जब तक ये गोली साथ में रखना पड़ेगा, वो ठीक नहीं होगा। और फिर आयुर्वेद होम्योपैथिक का दवाई लिया, तो होम्योपैथिक वाले भी 6-7 महीना तक दवाई करे, कि इससे भी ज्यादा करा, मुझे अभी याद नहीं उतना, लेकिन वो लोग भी साथ में व्हाइट कलर का मेडिकल का तो टिकड़ी दिया ही था कि उससे ही बैठेगा आपको। तो वो कभी भी कौन सा भी बॉडी का पार्ट में हो जाता था, होठ पे हो गया समझो तो इतना बड़ा होठ सूज जाता था। तो वो रामदेव महाराज का वीडियो मैंने देखा, तो उसको भी था ये प्रॉब्लम, बोल रहे थे ये श्वासों में नली में आ गया तो श्वास का नली सूज फूल फूल गए, तो फिर हम श्वास नहीं ले पाते, इतना डेंजर वो था। वो देखो एनडीएस में मतलब डे वन से ही मुझे खुजली आना बंद हो गया था, तो उससे मुझे वो बहुत बल मिला के एक दिन करा निर्जला, नहीं खुजली आई तो फिर दूसरे दिन करा, ऐसा तीसरे दिन करा, और खाना खा के मैं सीधा गई थी करने को, तो थोड़ा बॉडी में ताकत था, निर्जला आराम से हो गया था। जब काम वगैरह उतना नहीं करा था, खाली एक मेरा गाड़ी आता था तो वो टाइप के गाड़ी खाली करने जाती, और उसी दिन से डे वन से मुझे तो श्रद्धा बैठ गई। और मेरी बहन भी एनडीएस की बड़ी साधक है, उनका साइटिका चला गया कमर का, जो बचपन पूरा उसका दो बच्चे बड़े करे, तो छोटे छोटे बच्चों को रहता जब कितना काम रहता लेडीज को घर में, तो सब उसने पीड़ा में निकाल दिया पूरा लाइफ को। अभी उसको बच्चे बड़े हो गए और उसका पीड़ा भी चला गया, मतलब वो साइटिका क्या है उसको अभी पता भी नहीं है, मतलब सुबह 5 बजे उठती है उन्हें डेली और शाम तक काम करती है, मतलब घोड़े की जैसा भागती है करती है, 1 मिनट खामोश नहीं बैठती है वो, उसको बहुत एक्टिव है, लेकिन दिखने में थोड़ी दुबली बहुत दी हो गई है, दुबली हो गई है लेकिन बहुत एक्टिव हो गई है। उसको देख के उसके हस्बैंड तो पहले बोलते थे तू मोटी हो जा वरना ये बंद कर दे एनडीएस, लेकिन उसके बच्चों का भी फिर वेट बढ़ गया था, एक आईआईटी में पढ़ रहा था लड़का और लड़की सीए का कर रही थी, तो बैठे बैठे सुबह से रात तक पढ़ने का रहता एक जगह पे, तो वो दोनों मोटे हो गए थे। तो वो लोग बच्चे लोग भी नहीं सुनते थे मम्मी का एनडीएस का, तो हर चीज वो लोग ने ट्राई कर लिया, दूध पी लिया, वो सेक वो सब हर्बल लाइफ मंगा लिया, वो सब कर लिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जिम गए कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उसकी मम्मी ने बोला, मेरी बहन ने बोला मेरा एटलीस्ट 15 दिन आप करो, फिर फर्क ना पड़े तो नहीं छोड़ देना। तो दोनों बच्चों ने 15 दिन स्टार्ट करा, 15 दिन में फटाफट वेट लॉस हो गया जूस फास्टिंग से। तो फिर वो लोग ने 2 महीने में दोनों बच्चों ने एकदम स्लिम फिट एंड फाइन हेल्दी हो गए। तो बाद में जीजा जी को भी अभी श्रद्धा बैठ गई, वो भी हर 11 को अब निर्जला करते हैं और टिफिन में भी कच्चा लेके जाते हैं, खाली रात को एक टाइम फूड खाते हैं, उसको तो कुछ उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अभी पहले तो झगड़ा करते थे, लेकिन अब वो उसको भी श्रद्धा बैठ गई कि मेरा दोनों बच्चे भी हेल्दी हो गए हैं, मेरी वाइफ भी बहुत दिखने में दुबली दिखे लेकिन बहुत हेल्दी है बोलते। अभी मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत अच्छा है एनडीएस से, तो हर जगह से अच्छा ही मिला। मेरे पापा का भी एक है, मैंने आनंदी माँ को नहीं बताया था, सोयरासिस था मेरे पापा को, गए साल में शिविर में ग्रेप शिविर में गई थी नरहरी सर के पंडिया में, तो मेरे पापा को भी और मम्मी को भी साथ में लेके गई थी। तो पापा का वो सोयरासिस का 3 महीना तक कच्चे पे करे, उसको बहुत लाभ हो गया था, मतलब पैर अच्छे हो गए थे। फिर बाद में उसने अभी खाना स्टार्ट कर दिया, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उसका पैर तो सही हो गया है, मतलब स्किन में तो बहुत फायदा हो गया उसको। तो ये रास्ता है बहुत कठिन है, मगर करने से रिजल्ट 100% मिलता है, मिलता है मिलता है, इसमें कुछ डाउट है ही नहीं, मतलब 0% डाउट रख के आप चलो, डाउट है ही नहीं। हम डॉक्टर के पास गए तो कोई गारंटी नहीं देगा आपको कि ये रोग जाएगा नहीं जाएगा, इसमें तो मतलब मैं 100% गारंटी देती हूँ, क्योंकि स्किन का मेरे पापा का भी गया, मेरा भी गया था, और मेरी बहन को साइटी का पूरा मतलब 15 साल तक वो दर्द में रही, और अभी वो मतलब 5 साल से मस्त फिट एंड फाइन है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जी है एनडीएस से। तो बस प्रभु जी और सुरेश भैया और आनंदी माँ हमें आशीर्वाद दे कि मैं भी 4 महीना कच्चे पे कर पाऊँ और मेरा वेट लॉस बराबर हो जाए आराम से, बस वही इच्छा है अब तो। गवर्नमेंट फूड में रहना बेटा, गवर्नमेंट फूड में रहने से प्रभु का प्रसाद बहुत आनंद आती है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति आत्मोन्नति, तो हमको उसी को लक्ष्य बनाना है। और ये वेट लॉस तो छोटा लक्ष्य है, कोई रोग मुक्ति होना ये भी छोटा लक्ष्य है,
लक्ष्य हम नहीं रखेंगे, बड़ा लक्ष्य है जिसको हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, मूल्य बहुत ज्यादा देंगे, उसी से सफलता मिलेगी। हाँ जी, तो आपको भी तो हो स्किन जाएगा। का भी 8, ये अच्छा दिख रहा मुझे अभी 6 दिन में। मैंने खाली 2 बार ही मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा लगाया है, और ऑयल लगाती हूँ, मसाज करती हूँ, और ये कच्चे पे रहने के बाद ये थोड़ा मुझे व्हाइट दिख रहा, फिर पता नहीं मेरा डाउट है कि क्या है, थोड़ा सही दिख रहा मुझे स्किन मेरा, अच्छा दिख रहा है। ये स्किन अभी सनबर्न हो गया है दोनों हाथों में, तो वो भी आशा 100% मुझे आशा है कि सही हो जाएगा। 4 महीना ये मतलब गॉड मेड फूड में रहूंगी, तो भगवान ने दया वो फूड पे 100% हो जाएगा, वेट लॉस कोई भी हो टाइम जाएगा साइड में, ये भी लिमिट सब बता रोग। रहे हम 4 महीना हाँ रखना है, कितना महीना नहीं, हमको लाइफस्टाइल बनाना है, यही रख सोच के हाँ करना हाँ है हमको इसको। हाँ, कोई हम ये बाउंड नहीं रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे 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 इससे मन हट जाएगा पका वाला से, है ना। ऐसे भी मैं तो बोल अभी रही हूँ 4 महीना, लेकिन बाद में बारिश का सीजन स्टार्ट होगा ना, तो बारिश का सीजन में कुक फूड खाने से रोग आते हैं। ऐसे भी बड़े हमारे नानी लोग थे, वो जो बारिश का सीजन में खाना नहीं खाते थे, तो मैं सोच रही हूँ कि 4 महीना से ऊपर ही करूंगी 100%, कि मतलब बारिश का सीजन में मैं नहीं तोड़ूंगी, तोड़ना है तो भी कुक फूड नहीं लेना आपका है। अभी कोई मुझे इतने अच्छी अच्छी रेसिपी मैंने सिखाई है ना, कि जरूरत ही नहीं पड़ेगा कुक फूड का, मुझे उससे सेटिस्फेक्शन हो रहा पूरा। बहुत अच्छा बात है, आप कर हाँ पाएंगे, मैं, आपको इसको जीवन शैली बनाना है ना। आपका फोन नंबर बता दीजिए। मेरा फोन नंबर है 8639-15294, हैदराबाद, राधा पटेल। दोबारा बता दीजिए नंबर। और नंबर है 8639-15294, और हैदराबाद पटेल ब्रदर्स, गूगल में टाइप करने से भी बनलागुड़ा जागीर पटेल ब्रदर्स, तो हैदराबाद में हमारा शॉप है, शॉप के ऊपर ही घर है। कभी भी कोई भी साधक आए, उधर हैदराबाद आए तो भी, मिलना चाहे तो भी आ सकते हैं 100%। चलो बेटा, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा। हाँ जी, गणेश जी बोलिए। माता जी को नमस्ते। सुने नमस्ते। तो नहीं, और कल रहूंगे क्योंकि तो कल जी मैं अंगूर रख लिया और खाया कल, अच्छा बात है अभी तक मैं जी कुछ गणेश जी, थोड़ा आपके कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है, थोड़ी आवाज अच्छा समझ नहीं आ रही है। अच्छा बोल दिखता है। इन्होंने कल अंगूर खजूर सब फल लिया था, आज निर्जला है। बहुत अच्छी आवाज आएगी तो ठीक बात रहेगा। है। अब आगे पूछना चाह रहे हैं कि कल क्या करें। जैसा उनका शरीर दिखाएगा ऐसा करना है, अगर निर्जला कर पाएंगे निर्जला करेंगे, नहीं तो रसाहार पे रहेंगे, जूस पे मैं रहेंगे। पालक लेके अंगूर चलती हूँ, अंगूर आंवला का जूस चाहिए। पीने के लिए। हाँ जी, क्या पालक का जूस सुबह बनाने के लिए रखी हूँ। हाँ, उस सुबह का सुबह देखना है, आज रात को प्रभु को धन्यवाद दे के सो जाना है, सवेरे अगर प्रभु दिखाएंगे तो सवेरे सोचेंगे, अभी नहीं सोचेंगे, अभी का इसी क्षण में रहने की प्रयास करेंगे, ठीक है। काल जब सवेरे जी जी होगा तब हमारा बॉडी जैसा बोलेगा, अपना जज जी खून खुद बनना है, अपना डॉक्टर खुद बनना है, तो काल का अगर हमारा जीवन रहा तो जैसा दिखाएगा हम वैसे करेंगे, ठीक है। जी जी बढ़ा रहे हैं।
प्रणाम। आवाज कट, प्रणाम। जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माता जी, अभी किसी का सवाल नहीं। हाँ जी माता जी, अभी किसी का सवाल नहीं है। जी तो हमारा आज जैसा संडे है, संडे 9 तारीख है, ऐसे अगले संडे, अगले अप्रैल 2023 को रोहतक में, खराबड़ गांव में, हमारा सुरेश बेटा का जन्म स्थल में, जन्मभूमि में, एक दिवसीय शिविर है, 1 डे शिविर है। वो वहाँ का गांव का जनता साधक लोगों ने करवा रहे हैं और बहुत बोल के बुलाए हैं, तो वहाँ होगा और वहाँ भी वो निशुल्क होगा। तो जिन्होंने भी मतलब ये यूट्यूब में अपलोड होगी जूम मीटिंग का ये हमारा, तो जो भी सुनेंगे, जो भी आना चाहते हैं वहाँ आ सकते हैं। सवेरे 9 बजे से 2 बजे तक होगा, तो वहाँ का लाभ उठा सकते हैं। वहाँ हमारा परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी भी टाइम देंगे ऑनलाइन में, वीडियो ये में, ये कॉल में उन्होंने समय देंगे, और उन्हीं का भी आप सुन सकते हैं। डॉक्टर हरचंदनी भी समय देंगे, जी भी समय देंगे। तो ये सभी ने आप ही लोगों के सेवा में रहेंगे, तो जो भी वहाँ आना चाहते हैं आ सकते हैं और अपना नाम वहाँ का, तो गांव का साधक होंगे ही होंगे, बाकी भी हमारा एनडीए साधक जो रोहतक में है, पानीपत में, गुड़गांव में है, जब आस पास में जहाँ भी हरियाणा में है, पंजाब में है, जो भी ये सुनेंगे अगर आना चाहते हैं तो वहाँ आ सकते हैं और वहाँ का लाभ उठा सकते हैं, तभी ये हम बता रहे हैं। और बाकी हमारा 2 जून 2023 से 11 जून 2023 तक हिमाचल प्रदेश देवभूमि में, तपोभूमि में, माँ पार्वती जी का मायके में, यहाँ संतों का स्थान पे होगा शिविर। वो भी हमारा दिव्या, हमारा एनडीएस का जनक जो है परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी का चरण इधर पड़ेगा, और वो हमारा सुरेश बेटा का जन्मदाता, जीवन दाता है, विनोद जी का गुरु जी है, हमारा गुरु जी है, भगवान है, जिन्होंने यहाँ आएंगे, और उनके साथ और भी बहुत महान महारथी एनडीएस का धरोहर है, हमारा परम पूज्य नरहरि भाई पांडे जी, उनका भी यहाँ आगमन होगा, और प्रदीप साहा जी, डॉक्टर हरचंदनी जी, सब कोई इधर आएंगे। तो सभी का ओरा लेना है क्योंकि ये सब गॉड मेड फूड में है, तो जिन्होंने भी सब इनका ओरा लेना है, एनर्जी लेना है, आभा मंडल में रहना चाहते हैं और वो यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ भी ये भी निशुल्क होगी, ये शिविर भी निशुल्क होगा, ये भी बहुत शुभ संकल्प है, हमारा विनोद जी का भी संकल्प है और हमारा सुरेश बेटा का भी संकल्प है कि यहाँ जो हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में हमारा जो ये एनडीएस का आध्यात्मिक साधना केंद्र, आध्यात्मिक याद रखना है, खाली ये हमारा रोग मुक्ति का साधना केंद्र नहीं है, ये आध्यात्मिक साधना केंद्र है। ये अगर आपका अपना मतलब साधना को आगे लेना चाहते हैं, कक्ष को आगे लेना चाहते हैं, और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है हमारा प्रभु प्राप्ति, आत्म उन्नति, एक साधक बनना है, अपना एक पात्र बनाना है, प्रभु ने हमको जैसा जन्म दिए उनको अपना मतलब शरीर तो एक दिन जाएगा ही जाएगा, तो उसी रूप से हम समर्पित करें प्रभु को और अपनी आत्मा में स्वयं में स्थिति पाने के लिए ये रास्ता है।
यहाँ का लाभ लेना चाहते हैं, निर्जला करना चाहते हैं, रसाहार पे रहना चाहते हैं। यहाँ बहुत गर्मी में भी यहाँ बहुत अच्छे से निर्जला हो जाती है, और जिन्होंने भी क्रोनिक डिजीज में पीड़ित है, कैंसर में है, या हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, और मतलब दूसरे जगह में शिविर होती है, लेकिन वो शिविर ये शिविर में फर्क है। वो शिविर जहाँ भी होता है वहाँ का वातावरण, वहाँ का स्थान का प्रभाव इतना नहीं है जितना यहाँ का प्रभाव है। मैं बाधा के साथ, यहाँ संतों ने साधना करे हैं, यहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ का ओरा अलग है, और यहाँ माँ पार्वती माँ ने खुद इतनी तप करे हैं, तो उसी स्थान पे हो रहा है। तो ये हमारा भाग्य का बात है, जिसका किस्मत में होगा वो यहाँ पहुंच पाएंगे। और यहाँ निःशुल्क है, लेकिन शर्त एक ही है हमारा कि जो क्रोनिक डिजीज में पीड़ित है, कहीं दूसरा शिविर अटेंड नहीं कर पा रहे पैसा दे के, जैसे दूसरे जगह में पैसा दे के मतलब करना पड़ता है, लेकिन यहाँ बिना पैसा से निशुल्क होगी, और वो दे नहीं पा रहे हैं, बहुत मजबूर हैं, चाह के भी शिविर अटेंड नहीं कर पा रहे। वो अगर आएंगे तो हमको ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि उनके लिए ही हम ये शिविर कर रहे हैं, जो मतलब मुश्किल में है और चाह कर भी शिविर अटेंड नहीं कर पाए पैसा के अभाव से। तो वो लोग अगर यहाँ आएंगे तो स्वागत है उनको, और यहाँ यहाँ मतलब जैसा भी स्थान मिले, हम तो साधक बन के आएंगे, स्थान तो मिलेगा ही, रहने सोने के लिए बाथरूम सबका सुविधा है सब कुछ, लेकिन बात ये है कि हम अगर ऐसा स्पेशल कमरा चाहेंगे, सेपरेट कमरा चाहेंगे, बाथरूम दिखाइए वो दिखाइए ऐसा चाहते हैं, तो ऐसा अगर कोई चाहेंगे तो बेशक ना आए। लेकिन अगर हम साधक बनना चाहते हैं और यहाँ का आभा मंडल, यहाँ तो कहीं भी स्थान मिल जाए, हम तो ऐसे ही रहे हैं यहाँ, यहाँ का ओरा लेने के लिए हमारा ऊपर खाली छोटा सा छत था, अब फिर भी हम इधर आके रह के साधना करें। तो ऐसे ही अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं साधना करना है और आगे जाना है, और अपनी रोग मुक्ति तो यूं हो जाती है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, रोग नाबूदी होना वो हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है मनुष्य जीवन, जो हमारा बड़े भाग्य मानुष्य तो न पावा सुरत दुर्लभस्व ग्रंथ न गावा। मनुष्य जीवन बहुत भाग्य से मिलता है, और भाग्य से मिलता है, और फिर इसी रास्ता भी किस्मत वाले को मिलता है, तब सेवा सुमिरन का मार्ग भी जिनका किस्मत अच्छा है वो उसको मिलता है, वो समझ पाता है और इसको जीवन शैली बना पाता है। तो अगर उन्हीं जो इसका मतलब जनक है, अगर उनका चरणों में बैठने की भी हमको मौका मिल जाए, मौन बैठने का भी मौका मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आनंद आती है। तो आप लोग भी ऐसे आनंद लेना चाहते हैं, मौन बैठना चाहते हैं, ऐसे बड़े की, एक युग पुरुष की, एक सन अवतरित पुरुष महापुरुष का अगर चरणों के नीचे बैठना चाहते हैं, यहाँ का लाभ लेना चाहते हैं, निर्जला रसहार के और अपनी को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ नाम लिखवा सकते सकते रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बहुत कम सीट है, ऐसे तो 85 लोग नाम लिखवा चुके हैं, और हमको सुरेश बेटा बोल रहे हैं कि अभी बंद कर दो, बिल्कुल नाम मत लिखो, फोन भी आती है, कितने लोगों को मना भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम माँ हैं तो हम चाहते हैं जो क्रोनिक डिजीज में पीड़ित है, जो पैसे दे के नहीं कर पा रहे हैं, जो और मतलब उसको करना चाहते हैं, तो नाम लिखवा सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। तो इसीलिए हम बार बार बता भी, और ऐसे हम बताने की भी पड़ेगी जितना फोन आ रहे बार बार, नाम लिखो बोल के, लेकिन हम मतलब देख नाम लिख रहे हैं, तो फिर भी हम बता रहे हैं कि कोई अगर है, अगर आप चाहते हैं तो आके यहाँ का लाभ उठा सकते हैं। अब देखो बेटा, हाँ जी, कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
जी रेखा कामत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते माँ, नमस्ते सुरेश भैया, नमस्ते, नमस्ते प्रीति जी नमस्कार और नमस्ते सभी साधकों को। मैं कर्नाटका से बात कर रही हूँ। मेरा एक प्रश्न था कि मैंने एक बात सुनी कि रोहित भैया ने बताया कि क्लेंसिंग जूस घटाघट पीना है करके। वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया नमस्कार। क्योंकि हम इतने दिनों तक सुन रहे थे कि क्लेंसिंग जूस थोड़ी पीना है करके। वो मुझे थोड़ा बताना था, उसके वो बारे में रेखा जी थोड़ा सभी बताइए के मुझे। अपने अपने अनुभव हैं। वो जब हम निर्जला किए हैं और उसके लेकिन बाद ठीक हाँ, तरीका आप, तो हाँ निर्जला हम किए हैं और उसके बाद गटागट उन्होंने बोला गर्दन तक भरना है पेट हमें, 5 लीटर 6 लीटर जितना भी पीना पीना है, तो उस हाँ निर्जला का फायदा क्या हुआ? वही। देखो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में उसको गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ना पड़ता ताकि आइलिंग पूरे इंजन में घूम सके, ठीक लेकिन सही तरीका, हाँ है? उसके बाद में पहले गियर से शुरू करना होता ना कि टॉप गियर लगाएंगे उसमें हम शुरू में ही। तो वही हमारे शरीर की भी प्रकृति का नियम वही है कि इसमें जैसे हमने रोक रखा है इसको खाने पीने से 24 घंटे से 48 घंटे से खाली पेट है, उसके बाद एकदम से हम उसको उन्हें बोल दिया 2 लीटर 3 लीटर जितना मर्जी दबा के गर्दन तक भर के पेट पीना है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। उसमें घोट घोट करके हमें जितना टाइम वही लगे इसके हमको उतना ही लगाना तो चाहिए हमें। हाँ करेक्ट, शुक्रिया भैया। उनका क्या अनुभव है? घुट घुट के मतलब पिए, घट घट करके पीने से क्या ज्यादा फायदा हो जाता है बोले? अच्छा लेकिन ऐसा सुनने से साधकों को थोड़ा कंफ्यूजन स्टेटस होता है, इसीलिए वो ठीक तरीका यूट्यूब में अपलोड होना चाहिए। इसके ऊपर एक वीडियो बनवा के डलवा देंगे माँ से ना। हाँ वही, माँ से बनवाए तो ठीक होगा वो। हाँ शुक्रिया। माता जी को प्रणाम। बोलिए। माता जी, मैं तो जुड़ी हुई हूँ हम लोग, लेकिन हमारे ऊपर के छत पे एक बच्चा है जो 6 साल से कोमा की स्थिति में है, और उसके कान में मशीन लगा हुआ है जिससे कुछ नहीं जा रहा है, और वो केवल आंख खोले हुए हैं और कुछ नहीं। तो क्या उसका आपका बात पूरी साफ सुनाई नहीं दे रही माता जी, हमारे घर के ऊपर में एक बच्चा 35 साल का है जो 6 साल से कोमा में पड़ा हुआ है, केवल आंख खुलता है और उसे पाइप से ही खाना दिया जाता है। लोग है? 4 साल 5 साल पहले उनके गार्जियन को समझाने की कोशिश की कि इसको एनीमा दीजिए और एनडीएस से लाभ होगा, पर उन्होंने सुना ही नहीं, और अभी तक वो बच्चा इसी तरह पड़ा हुआ है। क्या उपाय हो अगर सकता है? वो नहीं सुनेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? यही बात है ना, किस्मत वाले समझ पाते हैं। गीता जी में भी है ना, करोड़ों में एक मुझे जान पाएगा पहचान पाएगा, मतलब बात ये है। तो ऐसे ही करोड़ों में एक ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में जा पाते हैं और इसको समझ पाते हैं, क्योंकि करके भी छोड़ देते हैं। कितने बार करते हैं कितने बार छोड़ते हैं, अभी वो राधिका बता रही थी ना, वो आई है जो कम से कम 3 4 साल से 4 साल से एनडीएस कर रहे हैं, कितने बार कर रहे हैं कितने बार छोड़ रहे हैं, फिर खा रहे हैं पका, फिर छोड़ रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं। तो इससे कोई लाभ नहीं होता है, इसीलिए वो समझ पाना बहुत जो, वो अगर समझ पाएंगे तो अच्छी बात है, उनको बताइए, बात करें फोन में, अगर समझ पाएंगे तो ठीक है समझा देंगे, नहीं समझ पाएंगे तो उनका भाग्य की बात है ना, जो भी चीज और वो नहीं, नहीं कर पाएंगे अगर वो चीज। नहीं, जो मैं सभी क्या करेगा, जब नहीं करेगा तो क्या करेगा?
बात कर दोबारा जी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओ, और पवन कुमार में वो पस... अगर शशि है तो उनको करना। जी माता जी, देखते हैं। हाँ जी शशि। माँ जी नमस्ते, सुरेश भैया नमस्ते, पवन बोल रहा हूँ। किसी हाँ वो पवन बोल। शशि अभी भैया अनिमा कर रही थी तो मैं ज्वाइन कर रखा था, तो मैं सुन रहा था। कोई नहीं, ठीक है पवन चलो भाई। अच्छी बात है। ठीक जी ठीक जी है ना हाँ शशि, निर्जला में है ना आज बता रहे थे। हाँ हाँ आज निर्जला में है, कल जूस पे थी तो कल जूस लिया था, तो आज निर्जला करा है पूरा, और अनिमा कर रही है, तो जितना अनिमा और निर्जला करती है तो उतना रिलीफ उसको आता ही है ज्यादा। और फिर दिन में मतलब कभी जब जूस लेती है तो हमेशा एक ही जूस लेती है, या तो करेला खीरा टमाटर का लेगी या फिर उसका पालक आंवले का। तो डेली रोज बेटर कंडीशन फील कर ही रही है और अपना अनुभव शेयर करती है वो तो, और दिखता ही है घर में भी काफी बेटर फील कर रही है पर डे। उसमें बहुत पवन भाई बढ़िया। आपका बड़ा सहयोग है। नहीं नहीं भैया, मेरा नहीं, आपका और आनंदी माँ का सहयोग है, आपकी देख रेख में और नहीं, वो आपका, मैं तो बस आप उनकी देखभाल आते ना करें बात। ना उनका सहयोग करें तो नहीं कर सकती वो, ठीक है ना? तो आपका बहुत बड़ा सहयोग है उनके साथ में। जी जी भैया बिल्कुल बिल्कुल, और सभी सहयोग है ही, वो भी कर पा रही हैं, और आपके सहयोग से, आनंदी माँ के और आपके सहयोग से काफी उनको फर्क पड़ा है, वहाँ पे आने से कुछ ज्यादा पड़ा है, यहाँ पे रह के नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ पे जाने के बाद जो विश्वास आया है उनके अंदर तो उससे काफी हो पा रहा है लगातार। बेटा देखना, भावेश भावेश जी को बोलना, भावेश जी आएंगे। भावेश जी कैसे हैं पूछते हैं। माता जी नमस्कार। माता जी बोलिए। नमस्ते। और आपकी बेटा बहुत बढ़िया कर रहे हैं इधर। चढ़ना है ना, उतना दूर आए, 1500 किलोमीटर दूर आए माता जी। एक साल से हाँ बोला हूँ, एक साल से मैं बोला उसको जाइए जाइए, तो अभी उनको मौका मिला। बता रहे थे कि राधिका भी बता रहे थे, भावेश ने वो हमेशा बोल रहे थे कि जाओ जाओ जाओ, तो अभी जाके आ पाए बोल के। हाँ, नसीब को किस्मत वालों को मिलता है, ये तो मैं तो बोलता हूँ ना, ऐसा है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, करना चाहिए जिगर भी माता कर जी, रहे हैं। बहुत बढ़िया है माता जी, ऐसा।